नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। फुलवारी के इमारत शरिया में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो कि CA, NRC और NPR के विरोध में थी। विरोध करने के लिए लोग वहां पर जमा हुए थे। हम प्रमुख जीतन राम मांझी के साथ पप्पू यादव और कई बड़े नेता भी, जो कि विपक्षी पार्टी से संबंध रखते हैं, वामपंथ से संबंध रखते हैं, वो सभी लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आप सुनिए। भाई, निर्णय साफ है, इस देश के मुकब्बल हिंदुस्तान को बचाने की, इस देश की एकता के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के संविधान की सुरक्षा के लिए, और इस मुल्क में वजीर खुद मुल्क के टुकड़े करने की तैयारी कर ले। डेमोक्रेसी में कल लखनऊ से चुनौती दी गई अखिलेश को, अन लोगों को धमकी दिया गया, बकबक मत करो। और जिस तरीके से लखनऊ में बेटियों पर हमला, बच्चियों पर हमला, यह डेमोक्रेसी के लिए नहीं, यह हिंदुस्तान के मुल्क को बांटता है। यह दुनिया देख रही है, यह हिंदुस्तान में पहली बार धर्म के आधार पर आपने हमला किया है, यह मुल्क में पहली बार। आप इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए यह मीटिंग थी, हिंदुस्तान एक है उसके लिए मीटिंग थी। यह लड़ाई तिरंगा वर्सेस भगवा की हो चुकी है, उस भगवा की जो भगवा RSS ने तय किया है, वो भगवा नहीं जो मेरा भगवा है। इसलिए यह लड़ाई इस मुल्क को बचाने के लिए आज मीटिंग थी, संविधान की सुरक्षा के लिए मीटिंग थी। और जो हमला है बहुसंख्यक पर, 73% दलित बैकवर्ड अत्यंत पिछड़ों पर, वोटिंग राइट्स उसके समाप्त कर दिए जा रहे हैं, उनकी आरक्षण छीनी जाएगी, सब्सिडी नहीं दोगे, जमीन छीने जाएंगे, यह हमें आवाज तक पहुंचानी है। 29 को हम लोग बम सेफ जो बंद का आह्वान किया उसमें हम लोग सब खड़े रहेंगे, और 25 तारीख को पूरे बिहार में 1:30 से 2:30 के बीच में मानव श्रृंखला बनाएंगे, इस मुल्क को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, संविधान की सुरक्षा। इस तरह CA डायरेक्ट मुसलमानों के लिए बताया जा रहा है, इसमें अन्य लोगों को समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा तो अन्य लोग हैं, ये धर्मिक सबसे ज्यादा दलित आदिवासी हैं, सबसे ज्यादा अंतत पिछड़ा है, जिनका वोटिंग राइट छीनने की बात हो रही है, आरक्षण छीनने की बात हो रही है, आरक्षण छीनेंगे। ये पिछले दरवाजे से सत्ता में रहना चाहते हैं, और अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों को मुसलमान के बहाने हमला करके ये राजनीतिक अधिकार से और अपने मुल्क के इतिहास से अलग करना चाहते हैं। इसलिए यह मीटिंग थी, अपने मुल्क के इतिहास को बचाने। सभी पार्टी एक होकर, सभी पार्टी सब, और शरीयत के नेतृत्व में, शरीयत के इमारत के नेतृत्व में हम लोग इस चीजों को आगे बढ़े। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, भारत की सरकार पर निशाना साधा है कि वो NRC, CA और NPR जैसे कानून को लेकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये ज्यादातर अल्पसंख्यकों को प्रभावित तो करेगी ही, साथ ही साथ ये आदिवासी और दलितों के लिए भी काफी खतरनाक है, जिसको लेकर 25 तारीख को मानव श्रृंखला भी लगाई जाएगी। CA और NRC का विरोध किया जाएगा पूरे बिहार में। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।